दोस्तों स्वागत है आप सबका। परसों हम ट्रैवलिंग कर रहे थे रुद्रप्रयाग से श्रीनगर गढ़वाल के लिए, तो सोचा आप सबके लिए यहाँ की वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो में आपको सिरोबगढ़ में जो ब्रिज का कार्य चल रहा है, नए पुल का कार्य चल रहा है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। हर महीने की मैं वीडियो लेके आता हूँ आप सबके लिए, तो आज की वीडियो में आपको नवम्बर 2020 का करंट सिनारियो दिखाया जाएगा। नवम्बर 2020 की लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार यहाँ की वीडियो देख रहे हैं, पहले तो स्वागत है आप सबका। दूसरी बात कि सिरोबगढ़ एक लैंडस्लाइडिंग जोन एरिया है और यहाँ पर चारधाम यात्रा या फिर बरसात के टाइम पर मलबा पत्थर गिरने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, घंटों जाम लगा रहता था। उसके लिए यहाँ पर रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है और यहाँ पर नया पुल बन रहा है, तो उसकी वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है, उसके पैरेलल में राष्ट्रीय राजमार्ग रोड उसके साइड बाय साइड आगे की तरफ बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पर सर्दियों का टाइम आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम आता है, तो नदी का जलस्तर कम होने के कारण यहाँ पर गोवा जैसी, मिनी गोवा बीच जैसी जगह बन जाती है, जो कि जितने भी टूरिस्ट लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो ज़रूर अपनी व्हीकल को, गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर इसका आनंद लेते हैं जगह का। और जो लोकल लोग भी हैं वो भी यहाँ पर वीकेंड्स पर आते हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आपको भी मौका मिलेगा तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे आइएगा। इसी बीच के बगल पर थोड़ा उतराई पर, जो अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, यहाँ पर ब्रिज का कार्य चल रहा है, पुल का कार्य चल रहा है और जल्द ही ये पुल का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो आपके इधर से होते हुए जाएंगी, आपको राइट हैंड साइड से होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से होते हुए फिर ये आगे जाके ये रोड नेशनल हाईवे पर फिर से कनेक्ट हो जाएगी और फिर रुद्रप्रयाग के लिए चले जाएगी। एक तरीके का बाईपास का काम करेगी ये जगह। दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम ऑल वेदर रोड की वीडियोस मैं शुरू से बना रहा हूँ, शुरू से मतलब जब ये परियोजना शुरू हुई थी तब से और अभी तक मैं इसके साथ वीडियोस बना ही रहा हूँ, और जब तक ये परियोजना पूरी नहीं हो जाएगी बनाता रहूँगा। उसके साथ साथ में टूरिस्ट प्लेसेस और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है मैंने उत्तराखंड की, तो अगर आप लोग को मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने थॉट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके सजेशंस तो मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की वीडियो दिखा रहा हूँ नवंबर 2020 की, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। मेरा साथ देने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरे सारे सब्सक्राइबरों का और जो लोग नहीं भी हैं मेरे सब्सक्राइबर अब मेरी वीडियो देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
वो मिलती है क्या?